अध्यक्ष की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर दो पार्षदों ने पीआईसी इस्तीफा दिया। इंद्रगढ़ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नगर परिषद के पार्षदों में पनप रही नाराजगी के चलते आज सोमवार को भाजपा समर्थित अध्यक्ष के विरुद्ध नगर परिषद के पार्षदों ने विद्रोह कर दिया और नगर परिषद इंद्रगढ़ में हो रहे नियम विरुद्ध कार्यवाही और भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर वार्ड क्रमांक 15 की पार्षद श्रीमती रमा मेहताब सिंह परिहार और वार्ड क्रमांक 9 से पार्षद श्रीमती प्रेमवती चरणदास कैलारे ने अध्यक्ष नगर परिषद की कार्यप्रणाली से नाराज होकर पीआईसी से इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष के नाम मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव को त्यागपत्र सौंपते हुए पीआईसी सदस्यों ने अध्यक्ष की भ्रष्ट और मनमारीपूर्ण कार्यप्रणाली पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अब तक हुई पीआईसी की जो भी बैठकें हुई हैं और जो भी पीआईसी में प्रस्ताव पास हुए हैं उनकी जानकारी उन्हें नहीं है, उन्हें बैठक में बुलाया नहीं जाता है। अध्यक्ष के पति मनमारी तरीके से कार्य करते हैं। अध्यक्ष ने गोपनीय तरीके से अपने पुत्र रंजीत कुमार मंडेलिया की नियुक्ति कर ली और पीआईसी में संकल्प भी पारित कर लिया जिसकी सहमति पीआईसी पार्षद से नहीं ली है। समय नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि अध्यक्ष पर सीएमओ मनमानी कर रहे हैं, संस्था को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। संवाददाता शिवरमन सिंह की रिपोर्ट। क्या वार्ड से पार्षद हैं? तो आज आपने यहाँ का इस्तीफा दिया है? पीआईसी ने आपने इस्तीफा दिया, क्या कारण क्या थे? क्या नहीं है? अच्छा, आपको पता नहीं पड़ता वार्ड में या नगर में क्या पीआईसी में क्या हुआ? कोई भी शान वगैरह आप नहीं, आपके संरक्षक होते थे? नहीं होते थे? नहीं होते थे? आपको पता ही नहीं है? फिर आप किस लिए देने आई हैं? पता पीआईसी से आप हट गई हैं बोलने। तो आपने इस्तीफा किस चीज़ का दिया है? पीआईसी से। क्या कारण थे, क्या क्या हुआ था? कारण मालूम नहीं पड़ा पीआईसी में क्या हुआ। आपको नहीं पता पड़ा? नहीं, हम तो घर बैठे रहते। अभी जो जितने भी पीआईसी में काम हुए उनकी बारे में जानकारी थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। कोई जानकारी नहीं? आप कौन से वार्ड से हैं? 15 वार्ड में कोई काम नहीं, विकास नहीं हुए क्या अभी तक? विकास है नहीं, लेकिन हमें मालूम नहीं। पीआईसी से त्याग पत्र दिया है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? त्याग पत्र दिया है, उनका मकसद त्याग पत्र का यह देने का कि उनको अभी तक यही पता नहीं है कि हमारी पीआईसी की बैठक कितनी हुई। ना तो वो कह रहे हैं आज तक मेरे दस्तखत हुए हैं पीआईसी की बैठक में, और उनको हेडिंग मांगी तो वो भी नहीं दी गई। क्या क्या आपने पीआईसी से प्रस्ताव रखे हैं, क्या क्या आपने पास किए हैं, वो आज तक उनको जानकारी नहीं मिली। उस आधार पर उनने जो है इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं सीएमओ और नगर पंचायत जो अध्यक्ष उनकी कार्यप्रणाली से खपा है पार्षद? बिल्कुल खपा तो है, तो ये हो ही रही है सर, दिक्कत तभी आ रही है। बातें आ रही ना, जैसे दोनों पार्षद ही भाजपा से हैं। हाँ, वर्तमान अध्यक्ष भाजपा से हैं, प्रदेश में सत्ता भाजपा की, फिर विरोधाभास हो क्यों रहा है? विरोधाभास सीएमओ साहब नहीं सुन रहे, पार्षदों की सुन नहीं रहे, अध्यक्ष साहब की भी सुन रहे हैं। सीएमओ साहब किस पार्षद किससे कहेगा? पार्षद तो अध्यक्ष से कहेगा ना, जब अध्यक्ष की नहीं चलेगी तो पार्षद क्या करेगा? मतलब अध्यक्ष साहब भी जो है बेबस में जा रहे हैं। बिल्कुल, सीएमओ साहब के आगे नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं चल रही है। तो सामूहिकों के विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है? एक दो पार्षद क्यों कर रहे हैं सब? सामूहिक लोग, सब लोग सामूहिक हैं, पूरे बहुमत के साथ विरोध कर रहे हैं, पूरा बहुमत है हमारे साथ। तो प्रमुख समस्या क्या है नगर की, आपकी वार्ड की समस्या है? नगर की पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आप चले जाओ गंज में, चले जाओ वहाँ पूरा एरिया भरा हुआ है, आप देखो नाले में। कामा रोड पर चले जाओ, पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक चौरा से लेके वहाँ तक पूरा पानी ब्लॉक है। अरे गली में पानी भरने लगा, पानी की निकासी नहीं है। आपके खुद के स्वयं के वार्ड में काम हो रहा है? काम स्वयं के वार्ड में निर्माण कार्य तो चल रहे हैं हमारे में, ऐसा नहीं। सफाई फाई की तो पूरी ध्वस्त है स्थिति, सफाई की कोई। बहुत से कारण है जो कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनको कुछ चीज़ों का पता नहीं चलता है, और बहुत सी सारी कमियां हैं पीआईसी की, उनको नकल नहीं मिलती है। जैसे परिषद का एक नियम है कि परिषद की बैठक हो या पीआईसी की बैठक हो, उनको प्रोसीडिंग की नकल तत्काल दी जाती है। जितनी भी बैठकें यहाँ पे हो चुकी हैं आज तक, किसी भी बैठक का कोई भी अपन को फिर उसकी वो नहीं दी गई नकल आज तक, चाहे वो पीआईसी हो चाहे वो परिषद की बैठक हो, किसी में भी वो नहीं। लाइटों की भी है, लाइटें आ गई हैं, पता ही नहीं चला कब बिल बन गया, कब लाइटें कहाँ लग गई, कुछ पता नहीं। किसी भी वार्ड में लाइटें नहीं लगी। इससे पहली परिषद में 5 ट्रिपर चलती थी, जब डीजल 800 से 900 के बीच आता था, अब 2 ट्रिपें बंद हो चुकी हैं।
तब उसके बाद भी डीजल अब 1600 1700 1800 लीटर आ रहा है, बहुत सी कमियां हैं, पता ही नहीं चलता किसी भी पार्षद को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नगर में पानी निकासी की समस्या है, पानी निकासी के लिए अगर हम सीएमओ को बोलते हैं तो सीएमओ साहब बाढ़ में जाते ही नहीं है, सीएमओ साहब अपने ऑफिस में बैठ के रहते हैं, पार्षद की कोई चलती ही नहीं है। जैसे अभी आपने बताया कि किसी की चल नहीं रही है और भी पार्षद हैं वो भी नाराज है, जो दो पार्षद हैं जिन्होंने अभी पीआईसी से त्याग पत्र दिया है दोनों भाजपा से है। हाँ दोनों भाजपा से, नगर पार्षद अध्यक्ष भी भाजपा से है जी बिल्कुल। फिर विरोधाभास क्यों? अब विरोधाभास तो आप सब समझते हो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो आप बताइए। जब सत्तारूढ़ पार्टी की विधायक है, मनमानी हो रही है, पार्षदों की सुनी नहीं जा रही है, उनके वार्ड में उनसे पूछी नहीं जाती है क्या करना है क्या नहीं करना, अपने मन से आया जिससे चाहे किसी के जो टेंडर लगा दिए, दो दो तीन तीन आज तक हमारा कोई टेंडर ही लगा जिस दिन से पार्षद बनी है, जो पुरानी पार्षद के टाइम पे जो टेंडर लग गए थे वही लगे, नई पार्षद में कोई टेंडर नहीं लगा जब से नगर पार्षद आई है, नई बात कोई भी टेंडर नहीं लगा। नया अध्यक्ष साहब का जो कहना रहता है प्रतिनिधि अध्यक्ष साहब ने हमको अवगत कराया था कि हम आपके तीन टेंडर लगा रहे हैं पर आज तक उसकी टीएसई नहीं हुई, आज तक आज दिनांक तक तीनों फाइलें रखी हैं टीएसई नहीं हुई, लेखा बाबू ने साइन कर दिए, सब ने साइन कर दिए लेकिन उसकी टीएस के लिए नहीं गई। कहीं ना कहीं मेन मुद्दा है हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष साहब, या उनकी बेनी मानना है बे उनकी नहीं मानना है तो हमारी कौन सुनेगा फिर, हम तो या अध्यक्ष से कहेंगे या सीएमओ से कहेंगे कोई भी बात आएगी तो। लाइटें आ गई, लाइटों का पता नहीं है, डीजल 900 लीटर को 1500 लीटर जा रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है इतना सारा डीजल, पता नहीं अपनी अपनी गाड़ियों में भरवाते होंगे बस। और अभी जो केमिकल आया था मच्छर वाला, उसका क्या हुआ? केमिकल एक दिन हमारे बाढ़ में कोई अभी तक केमिकल नहीं गिरा, मच्छर इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा